दोस्तों एशिया कप 2023 में एक बार फिर होने वाला है महासंग्राम, जब भिड़ेंगे एशिया के दो कट्टर विरोधी टीम भारत और पाकिस्तान। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि 2 सितंबर को ग्रुप स्टेज मैच में भारत पाकिस्तान का मुकाबला बारिश के कारण पूरा नहीं हो पाया था, लेकिन दोस्तों कैंडी में खेले गए उस मुकाबले में पाकिस्तानी तेज गेंदबाजों ने भारतीय टॉप ऑर्डर को ध्वस्त कर दिया था। अब सुपर फोर में एक बार फिर पाकिस्तानी बॉलरों से टीम इंडिया को खतरा बना रहेगा, लेकिन दोस्तों इस बार पाकिस्तान के लिए भी राह आसान नहीं होने वाली है। वैसे तो इस एशिया कप में पाकिस्तान का प्रदर्शन लाजवाब का रहा है। बाबर आजम की कप्तानी वाली इस पाकिस्तानी टीम ने नेपाल और बांग्लादेश जैसी टीम को अपनी तेज गेंदबाजी आक्रमण से पस्त कर दोनों मुकाबले जीते हैं। लगातार दमदार खेल दिखा रही पाकिस्तान एक बार फिर टीम इंडिया से टकराने वाली है, लेकिन दोस्तों इस बार पाकिस्तान की राह आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि टीम इंडिया के खतरनाक बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली इस बार पाकिस्तान पर कहर बनकर टूटने वाले हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ चलिए इस वीडियो में आगे बताता हूँ, तो उसके लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि टीम इंडिया इस मुकाबले में पाकिस्तान को धूल चटाए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों अगर आप भी टीम इंडिया के फैंस हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सुपर फोर में भारत और पाकिस्तान का हाई वोल्टेज मुकाबला 10 सितंबर को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा। पहले मैच में पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों ने टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर को बुरी तरह ध्वस्त कर दिया था। रोहित शर्मा हो या शुभमन गिल या फिर हो विराट कोहली, पाकिस्तानी तेज गेंदबाजों ने इन्हें सस्ते में निपटा दिया था। इसी वजह से पाकिस्तान के हौसले बुलंद होंगे, लेकिन दोस्तों उनके ये हौसले 10 सितंबर को पस्त होने वाले हैं। आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो का रिकॉर्ड्स पर नजर दौड़ाएंगे तो पाएंगे कि रोहित और कोहली पाकिस्तान की पेस बैटरी को यहां डिस्चार्ज करने वाले हैं। इस मैदान पर विराट कोहली और रोहित शर्मा ने आखिरी बार 2017 में वनडे सीरीज के दो मुकाबले खेले थे और दोनों ने मिलकर जमकर रन बरसाए थे। उस वनडे सीरीज के चौथे मुकाबले में रोहित और कोहली दोनों ने तूफानी शतक ठोक डाले थे। रोहित शर्मा ने उस मैच में 104 रन तो वहीं कोहली ने 131 रनों की पारी खेली थी, जिसके दम पर टीम इंडिया ने 375 रन का एक विशाल स्कोर खड़ा कर दिया था। विराट कोहली के लिए यह मैदान तो और भी ज्यादा लकी रहा है। आर प्रेमदासा स्टेडियम में कोहली ने अब तक मात्र 8 पारियां ही खेली है, जिसमें उन्होंने 104 की औसत से 519 रन बनाए हैं, जिसमें उन्होंने 3 शतक तो वहीं 1 अर्धशतक लगाया है। 2017 में कोहली ने इस मैदान पर लगातार 2 मैचों में शतक जड़ने का कमाल भी किया हुआ है। इतना ही नहीं दोस्तों, बल्कि इस मैदान पर वनडे क्रिकेट इतिहास में 375 रन सबसे बड़ा स्कोर है जो 2017 में भारतीय टीम ने ही बनाई थी। अगर इस मैदान पर वनडे में 5 सबसे बड़े स्कोर की बात करें तो इसमें से 3 टीम इंडिया के नाम दर्ज है। आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में टीम इंडिया का आखिरी 5 वनडे मुकाबले की बात करें तो इसमें से 4 मैच टीम इंडिया ने जीते हैं। अगर इस मैदान पर टीम इंडिया का ओवरऑल रिकॉर्ड पर नजर डालें तो टीम इंडिया ने इस मैदान पर 46 मुकाबले खेले हैं, जिनमें टीम इंडिया ने 23 मुकाबले जीते हैं। यानी कि दोस्तों कुल मिलाकर देखें तो आर प्रेमदासा स्टेडियम में टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों रोहित और कोहली इस बार बनेंगे पाकिस्तान का काल और करने वाले हैं उनके बुरे हाल। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, वीडियो को खत्म करूं उससे पहले दोस्तों आपको क्या लगता है, इस बार कौन सा भारतीय बल्लेबाज शतक ठोकने वाला है, रोहित शर्मा, विराट कोहली या फिर कोई और? आप अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।